Moto G32। ये स्मार्टफोन वैसे तो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन तब मैंने वीडियो नहीं डाला था। बहुत ही कॉन्शियस होके ये डिसीजन लिया था मैंने बाय द वे, क्योंकि मैं चाहती थी कि यार थोड़ा सा फ़ोन को और यूज़ करूं, ताकि आपको एक ही वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए पहली बात तो, और मैं आपको ये भी बता पाऊं कि मार्केट में बाकी जो दूसरे स्मार्टफोन हैं उनके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। इस वजह से थोड़ा रेफरेंस में मैं रियलमी 9i को यूज़ करूँगी, बिकॉज प्राइस रेंज देखो या फिर दोनों के फीचर्स स्पेक्स वगैरह देखो काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो काफ़ी अच्छे से आपको आइडिया लग पाएगा कि Moto G32 बेसिकली कहाँ स्टैंड कर रहा है, एग्जैक्टली मैं कैसा स्मार्टफोन है, आपकी प्रायोरिटीज़ को ये फ़ोन फुलफिल कर पाएगा या फिर नहीं, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगी फ़ोन की परफॉर्मेंस से। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट देखने को मिल रहा है और ये प्रोसेसर सुपर पॉपुलर है इस प्राइस रेंज में। इनफैक्ट मोटो ने खुद ने अपना ये G32 है राइट, G42 लॉन्च हुआ, G52 लॉन्च हुआ, सेम प्रोसेसर यूज़ किया गया था, लेकिन हर कंपनी की ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट होती है, UI के साथ ट्विनिंग डिफरेंट होती है, तो आपको हर फ़ोन में ऐसे डिफरेंस पता लगेगा परफॉर्मेंस में। ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट हर फोन में एक जैसा परफॉर्म करता है, नहीं, डिफरेंट करता है, और ये चीज मुझे यहां पर रियलमी 9i के साथ भी समझ में आई है बहुत ही क्लियरली। तो तब पता लगा जब मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट यहां पर परफॉर्म करके देखे। देखो एक आध बार थ्रॉटलिंग टेस्ट करते हैं नहीं इतना अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं एक बार करके कभी रुकती भी नहीं हूँ, मैं काफ़ी मल्टीपल टाइम ये CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखती हूँ। और मल्टीपल टाइम जब मैंने टेस्ट किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ पर कि रियलमी 9i में जितनी बार टेस्ट रिपीट करते जाओ इसकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होते हुए चली जाती है। एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पर यह 60% तक थ्रॉटल करने लगा, और मोटो हर बार जब मैं टेस्ट रिपीट कर रही थी तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हो रही थी। बाय द एंड ऑफ द टेस्ट मैंने रियलाइज़ किया कि मोटो 90 के ऊपर निकल गया था CPU थ्रॉटलिंग में, जो कि काफ़ी अच्छा और रियलमी 60s में अटक रहा था। और ऐसा नहीं है ये चीज़ सिर्फ CPU थ्रॉटलिंग में नज़र आती है, जब आप फ़ोन को यूज़ भी करोगे ना तब भी पता लगता है परफॉर्मेंस के बारे में। देखो ऐसा है ना कि आप बहुत थोड़ा गेम भी खेल रहे हो फ़ोन के अंदर, थोड़ा सा काफ़ी सारी अलग अलग आपने एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रखी है, तो वहां पर मुझे ना रियलमी 9i फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे से UI के साथ नहीं ऑप्टिमाइज्ड है यहां पर। इस वजह से मुझे फोन में थोड़े से लैग, जिटर्स, थोड़े बहुत बग्स भी एक्सपीरियंस करे हैं अभी जितना मैंने अभी तक इसको यूज किया है, जबकि मोटो उस केस में मुझे काफी स्नैपी फील होता है। UI मतलब माई UX UI एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन भी नहीं बोलेंगे आज की डेट में, क्योंकि फेसबुक जैसे कुछ एक दो एप्लीकेशन आपको मिलेगी लेकिन आप ढूंढ के अनइंस्टॉल कर सकते हो। सेकेंड यहां पर ना आपको मतलब ये फोन एंड्रॉइड 11 पर है और एक साल का अपडेट इन्होंने, एक मेजर अपडेट इन्होंने प्रॉमिस किया एंड्रॉइड 12 का, जो कि अभी तक इस फोन के अंदर नहीं आया है जबकि फोन को आए हुए टाइम हो चुका है। मोटो एंड्रॉइड 12 पर आता है और इन्होंने अशॉर्ड अपडेट एंड्रॉइड 13 का बोला है, बट हाँ ओवरऑल देखो आपको भी समझ में आ गया होगा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर UI के हिसाब से अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आज की डेट में नो डाउट मैं यहाँ पर Moto G32 को चूज़ करने वाली हूँ। खैर अभी यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और सीधा आते हैं फ़ोन की डिस्प्ले पर भी। तो 6.5 इंचेस के फुल HD+ IPS LCD पैनल यहाँ पर दे रखा है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। देखो आगे बढ़ने से पहले तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम पर देखने को मिले। बिल्कुल अभी मेरा क्या पॉइंट है यहाँ पर कि इस प्राइस रेंज में कई सारे फ़ोन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको AMOLED पैनल देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपनीज के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मोटो का ही जो G31 वहाँ पर AMOLED पैनल दे रखा था। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर एक स्मार्टफोन ना कुछ सर्टेन ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है, तो किसी फ़ोन में अगर AMOLED पैनल है तो हो सकता है कुछ और चीज़ें आपको मिसिंग देखने को मिले, किसी में IPS LCD पैनल है तो वो कुछ और चीज़ें आपको ऑफर कर रहा होगा। तो बेसिकली आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पर रियलमी 9i को इसलिए भी चूज़ क्या है क्योंकि इधर भी IPS LCD पैनल ही है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं दोनों फोन की डिस्प्ले को जितना यूज कर पाई हूँ कंटेंट देखने के हिसाब से, कलर्स वगैरह के हिसाब से मुझे दोनों के अच्छे लगे हैं, व्यूइंग एंगल्स दोनों ने काफी अच्छे रखे हैं यहाँ पर, ब्राइटनेस के मामले में भी मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। ऑन पेपर स्पेक्स के हिसाब से बताऊं तो रियलमी ने 480 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस यूज करी है, मोटो ने 600 निट्स तक की, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी कुछ जगह पे काफी स्मूथ परफॉर्म करता है दोनों फोन में, कुछ जगह पे थोड़े बहुत जिटर
फीचर्स आपको फील होंगे, बट हाँ ये चीज़ें कुछ सिमिलर हैं। डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्प्ले में, वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मोटो ने पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन यूज़ करी है यहाँ पर, रियलमी ने कौन सी प्रोटेक्शन यूज़ करी है अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में नहीं पता लग पाया है, तो आई डोंट नो यहाँ पर क्या प्रोटेक्शन यूज़ करी है या फिर करी भी है या फिर नहीं, क्योंकि करी होती है तो जनरली कंपनीज उसको मैंशन कर देती है, ठीक है। बट हाँ देखो मोटो ने ना यहाँ पर IPS LCD पैनल है, लेकिन इनका पीक डिस्प्ले मतलब जो मोटो का एक फीचर होता है जिस पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह डिस्प्ले पर देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे सुपर यूज़फुल लगता है, मतलब वो होना चाहिए, तो वो एक एडवांटेज हो गया, एक यहाँ पर एडवांटेज हो गया कि आपको ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, तो ये एक स्लाइट एज मोटो यहाँ पर लेके जाता है, लेकिन हाँ क्वालिटी के हिसाब से देखोगे तो सिमिलर है। एनीवेज अभी देखो फ़ोन के कैमराज के बारे में बात करने के लिए एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फाइनली मोटो ने अपना कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर बदल लिया है। मैंने कई सारे वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि यार काफ़ी मोनोटोनस होता हुआ जा रहा था वो कैमरा मॉड्यूल जो मोटो G62, 71, G52 टाइप में हमें देखने को मिला था, तो फाइनली फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है, थोड़े ऐसे स्क्वायरिश है, मेटेलिक वाली फिनिश है, अच्छा लग रहा है। जनरली मैं अपने वीडियोस में देखो कैमरा मॉड्यूल पर इतना बात नहीं करती हूँ, बट पता नहीं आज करने का मन कर रहा है तो बता दिया। बट हाँ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो यहाँ पर यूज़ किया गया है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। देखो इस प्राइस रेंज में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं देखने को मिलता है मैक्सिमम स्मार्टफोन्स में, मोटो ने दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट रियलमी का 9i इसमें भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं देखने को मिलता है, प्राइमरी वही 50 मेगापिक्सल का, बाकी के 2-2 मेगापिक्सल वाले सेंसर्स है, फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल का ही है। फोटोज मैंने जो भी निकाले हैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज विजिबली समझ में आई है आपको कि कलर कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस है। रियलमी बूस्टेड फोटोज लेता है, कॉन्ट्रास्टी फोटोज लेता है, थोड़ी सी रेडिश टिंट नजर आई है मुझे रियलमी के फोटोज में, मोटो थोड़ा नेचुरल टच देने की कोशिश करता है यहाँ पर फोटोज़ में। कलर कॉन्ट्रास्ट आपको कैसा पसंद है वो टोटली आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। डिटेल्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ ना, तो अच्छी लाइट कंडीशन में जब आप फोटो ले रहे हो आउटडोर्स वगैरह में सनलाइट में, तो आपको अच्छे डिटेल्ड फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप जब इंडोर्स में जहाँ थोड़ी बहुत लाइट की कमी है वहाँ पर अगर फोटोज़ लोगे तो वहाँ डेफिनेटली फिर आपको थोड़े स्मूथ स्किन टोन नज़र आएगी। बट इसके अलावा हाँ अल्ट्रा वाइड फोटोज़ आप ले सकते हो, जो लो लाइट के फोटोज़ भी मैंने यहाँ पर निकाले वहाँ पर मोटो के फोटोज़ थोड़े से ज़्यादा बेटर है, थोड़ी ज़्यादा बेटर ब्राइट फोटो निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर जब पोर्ट्रेट वगैरह में फ़ोटोज़ लेते हैं ना तो थोड़ा हिट एंड मिस है मोटो में, क्योंकि कई बार ये लाइट को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता, डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी नहीं आती है, और रियलमी मतलब मैक्सिमम केसेस में लाइट के एक्सपोजर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। बाकी अगर आप वीडियोस वगैरह भी बनाना चाहते हो फ़ोन से, तो देखो वही आपको मैक्सिमम 1080p तक में ही आप शूट कर सकते हो, क्वालिटी दोनों की एक जैसी सी टाइप की है, मतलब स्टेबलाइजेशन की बात करो, डिटेल्स की बात करो, ऑब्वियसली कलर कॉन्ट्रास्ट में वीडियोज़ में फ़र्क है, लेकिन एज सच क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा देखो एक जगह पर ना मैं दोनों ही कंपनीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। दोनों ही फ़ोन में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, मतलब दो सिम कार्ड के साथ आप दोनों में ही स्टोरेज कार्ड डाल सकते हो और अपनी मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन में गूगल डायलर है, तो कॉल्स रिकॉर्ड करोगे सामने वाले को इन्फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर ना मोटो में कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, जैसे कि IP52 रेटेड है ये स्मार्टफोन, तो थोड़ा सा वाटर प्रूफ स्प्लैश प्रूफ आप इसको बोल सकते हो। थिंक शील्ड की बिजनेस ग्रेड की सिक्योरिटी है जो कि काफ़ी सही है। बैटरी चार्जिंग की भी इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, दोनों 33W की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं, और दोनों को मैंने 0 to 100% जब चार्ज करके देखा तो एग्जैक्टली एक ही टाइप का, मतलब ऐसे 2-4 मिनट का फ़र्क रहता है। मोटो 1 घंटा 20 मिनट में चार्ज हो गया था और रियलमी 1 घंटा 25 मिनट के आसपास, लेकिन हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और बैटरी बैकअप वगैरह भी आपको दोनों में एक जैसा सा ही टाइप का मिलेगा यहाँ पर। और वैसे इन हैंड फील बिल्ड क्वालिटी वगैरह को अगर देखा जाए, तो यार देखो दोनों ही फोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, मोटो ने वो PMMA मटेरियल का प्लास्टिक यूज किया है, जो कि अपेरेंटली बोला जाता है कि नॉर्मल जो पॉलीकार्बोनेट होता है जो रियलमी 9i में यूज़ किया उससे थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, तो वो वाला सीन है। लुक्स टोटली सब्जेक्टिव होते हैं यार, मतलब
हर किसी की चॉइस अपनी अपनी है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। इन हैंड फील दोनों की अच्छी है क्योंकि दोनों की ऐसे कर्व्ड एजेस है ना, तो हाथ में पकड़ने में दोनों फोन अच्छा फील होता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो देखो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि मोटो जी 32 आखिर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कहाँ पर है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये 12999 का फ़ोन आपको डिस्काउंट के साथ लोगे तो सस्ता पड़ जाएगा। HDFC में 1250 का कुछ ऑफर मिल रहा है, तो उसके साथ पहली सेल वगैरह में परचेस करोगे तो सस्ता पड़ने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सेकंड, पूरे वीडियो में वैसे तो मैं आपको बताते हुए आई हूँ कि कहाँ पर स्टैंड करता है। हाँ, काफ़ी सारे मार्केट में स्मार्टफोन है जो एमोलेड पैनल के साथ आते हैं, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से फ़ोन लेना है। और जो सबसे बेस्ट इसका कॉम्पिटिटर मुझे फील हुआ रियलमी 9i, उसके साथ जब मैंने कंपेयर करके देखा तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोटो जी 32 आज की डेट में ज़्यादा बेटर निकल के आता है रियलमी 9i के कंपेरिजन में, और ऊपर से ये इससे सस्ता भी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं कंसिडर करूँगी अगर मुझे इन दोनों में से चूज़ करना हो तो। बाकी आई नो यार, आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप लोगों ने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है अपने हिसाब से। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।